गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड सब्जेक्ट मैथ्स। कल आपने हाउ मच डू यू नो के 3 क्वेश्चन किए हैं। आज हम उसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे जो हमारा पेज नंबर 45 पर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ए, 728 इज़ लेस देन 725। ये कह रहा है आपको कि जो 728 है वो छोटा है 725 से। अब इसके लिए क्या करते थे, हम चेक करते थे इनके प्लेस वैल्यूज़ को। यहाँ पे 702, यहाँ पे भी 702 है, यानी कि 100 प्लेस की और 10 प्लेस की वैल्यू तो डिजिट जो है वो सेम है। दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, वंस प्लेस की डिजिट चेक करेंगे। वंस प्लेस पर यहाँ पर क्या है, 8। ओके, और टेंथ यहाँ पर क्या है, वंस प्लेस पर 5। अब आप देखेंगे कि 8 और 5 में से कौन सा ग्रेटर है। तो 8 और 5 में 8 ग्रेटर है, यानी 8 बड़ा है। दैट मीन्स ये वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा। लेकिन आपको इसमें क्या कहा गया है कि ये छोटा नंबर है। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ओके, फर्स्ट में क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट पे आते हैं, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 507 इज़ 500। ये क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि 507 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 500 है। सो चेक कर लेते हैं, 1, 10, 100। सो 5 की प्लेस वैल्यू क्या आई है, 500। दैट मीन्स इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट आते हैं, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 651 इज 600 प्लस 50 प्लस 1। 651 की एक्सपेंडेड फॉर्म बिल्कुल सही है, यही होगी। दैट मीन्स इसमें भी क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट पर आते हैं, द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 375 इज 17। 375 में 7 की फेस वैल्यू बतानी है। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है, वही नंबर होता है, पर यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, 70। दैट मीन्स ये वाला क्या आ जाएगा इसमें, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं, द नंबर 301, 300, 296, 201 आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि ये किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। नहीं, ये किस में है हमारे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट में देखते हैं, 329 इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विद द डिजिट 932। ये बोल रहा है आपको कि 932 से 329 सबसे छोटा नंबर बनेगा। आप चेक करिए, बनेगा क्या, जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे स्मॉल नंबर पहले लिखते हैं, वही स्मॉल भी बनेगा। दैट मीन्स ये स्मॉल नंबर क्या बन सकता है, 239। लेकिन ये कितना है, 329। दैट मीन्स इसमें क्या आएगा, फॉल्स। ओके, इनको आप अच्छे से अपनी बुक में फिल कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट पर आते हैं, वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स। क्वेश्चन नंबर ए में आपको बोला गया है, इन अ फेयर अ फुटबॉल इज़ 4 रुपीज़ 345। इन अ शॉप, एक फेयर लगा है उसमें फुटबॉल का प्राइस कितना दिया है, 345 रुपीज़। 4 रुपीज़ 350 इन शॉप बी, शॉप बी है उसमें इसका प्राइस फुटबॉल का कितना है, 350। फ्रॉम विच द शॉप शुड रोनित बाय हिज फुटबॉल। ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि रोनित को अपनी फुटबॉल कौन सी शॉप पे से खरीदनी चाहिए। सो शॉप ए का प्राइस 345 है, शॉप बी में प्राइस 350 है। तो आप पहले देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 350 बड़ा है। दैट मीन्स यहाँ पे तो आएगा हमारा 350 ग्रेटर है किससे, 345 से। ओके, सो अब आप बताइए कि रोनित जो है वो कौन से शॉप पे से फुटबॉल खरीदेगा, जिसपे उसको कम प्राइस में खरीदने को मिल रही है, जहाँ उसको कम पैसे देने पड़े। तो कम कहाँ पे देने पड़ेंगे उसको, शॉप ए में। ये 345 क्या है, लेस है 350 से। दैट मीन्स रोनित शुड बाय द फुटबॉल फ्रॉम शॉप ए, तो वो कौन सी शॉप पे से खरीदेगा, शॉप ए से। ओके, जिस पर उसको कम पैसे देने पड़ेंगे उसी शॉप पे से वो खरीदेगा। इज़ इट गुड टू आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स फॉर बाइंग कॉस्टली टॉयज़। क्या पेरेंट्स से
आर्ग्यू करना या ज़िद करना अच्छा होता है अगर कोई चीज़ महंगी है उसके लिए। दैट मीन्स आपको कभी भी अपने पेरेंट्स से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए अगर आप किसी भी कॉस्टली टॉय के खिलौने के जो महंगा है उसके लिए। ठीक है, आप छोटी मोटी ज़िद कर सकते हैं लेकिन आप कोई भी बड़ी चीज़ खरीदने के लिए ज़िद नहीं करेंगे। नेक्स्ट बी पर आते हैं, रजनीश हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 249 बटन्स। रजनीश के पास 249 बटन्स हैं। अनंदिता हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 309 बटन्स। अनंदिता के पास कितने बटन हैं? 309। एंड सुनंदा हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 199 बटन्स। और सुनंदा के पास कितने बटन हैं? 199। हु आउट ऑफ थ्री हैज़ मोर बटन। तीनों में से किसके पास सबसे ज़्यादा बटन है? रजनीश के पास कितने हैं? 249। अनंदिता के पास 309 और सुनंदा के पास 199। सो चेक करिए इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा है। ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम 100 प्लेस की वैल्यू चेक करते हैं। तो 100 प्लेस पर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 1 है। तो इन तीनों में कौन सा बड़ा है? 2, 3 और 1 में 3 बड़ा है। दैट मीन्स अनंदिता के पास सबसे ज़्यादा बटन है। सो यहाँ पर क्या आएगा? 309। ओके, फिर इससे छोटा कौन सा आएगा? 249 और लास्ट में 199। ओके, अब यहाँ पर आपसे पूछा है हैज़ मोर बटन, किसके पास सबसे ज़्यादा बटन है, किसके पास है? अनंदिता के पास। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? अनंदिता। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनंदिता। नेक्स्ट, डू यू कलेक्ट थिंग्स एज अ हॉबी? आपको चीज़ें कलेक्ट करने की हॉबी है, आपकी हॉबी है कोई ऐसी जिसमें आप कोई चीज़ें कलेक्ट करते हैं? तो आप बताइएगा व्हाट डू यू कलेक्ट, और ये भी बताना है कि आप क्या कलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल के रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।